गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं रितेश और आज है 24 जनवरी। 24 जनवरी से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए इस क्लास का आप लोग एंड तक देखें और एंड में आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसका आप लोग आंसर जरूर दें। और एंड में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डे के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का भी रिविजन करते हैं। तो इस क्लास का आप लोग एंड तक जरूर देखें। इस क्लास का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने झारखंड के किस कैडर के संशोधन प्रस्ताव को तैयार किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आईएएस। केंद्र सरकार ने झारखंड के आईएएस कैडर के संशोधन प्रस्ताव को तैयार कर लिया है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में केंद्र सरकार ने झारखंड के आईएएस कैडर में संशोधन प्रस्ताव को तैयार किया है जिसका झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विरोध किया है। केंद्र सरकार ने आईएएस कैडर रूल 1954 के नियम 6 में संशोधन करने का एक प्रस्ताव तैयार किया है। तो इसे आप लोग याद रखें, आईएएस कैडर रूल 1954 के कौन से नियम में? तो 6ठे नियम में, जिसमें से यह कहा गया है कि यदि राज्य सरकार आईएएस की सेवा केंद्र को भेजने में देरी करता है या फिर तय समय में इसे लागू नहीं करवाता है तो केंद्र सरकार द्वारा आईएएस के अधिकारों को राज्य कैडर से हटाकर केंद्र कैडर में शामिल कर लिया जाएगा। बात करते हैं कि आईएएस कैडर में वर्तमान में राज्य में कितने पद है। तो आईएएस कैडर में वर्तमान में राज्य में 215 पद है, लेकिन इसमें से 140 पद पर ही आईएएस के ऑफिसर कार्यरत है। आईपीएस कैडर की बात करें तो राज्य में वर्तमान में आईपीएस कैडर के 149 पद है, जिसमें से 95 पद पर ही कार्यरत है। आईएएस कैडर की बात की थी तो हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही एक करंट अफेयर देखा था जिसमें से आईएएस कैडर आईपीएस कैडर को बढ़ाकर 149 से 157 कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है आपका यह रूल, आईएएस कैडर रूल 1954 के कौन से नियम में? तो नियम नंबर 6 में संशोधन करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने तैयार किया है। अब देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इसका विरोध किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो ये है झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ये कौन से पार्टी के हैं? तो ये जेएमएम पार्टी के हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। ये झारखंड के कितने भी मुख्यमंत्री है? तो ये झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री है, यानी इनके पहले झारखंड में 4 मुख्यमंत्री बने थे। इनके पहले झारखंड के 4 मुख्यमंत्री बने थे। तो 4 मुख्यमंत्री कौन कौन है? झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल मरांडी। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे अर्जुन मुंडा। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री बने थे शिबू सोरेन। और झारखंड के चौथे मुख्यमंत्री बने थे मधु कोड़ा। झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और झारखंड के 6ठे मुख्यमंत्री बने थे कौन? तो रघुवर दास झारखंड के 6ठे मुख्यमंत्री बने थे। यानी झारखंड में अब तक 6 मुख्यमंत्रियों ने अपनी सेवा दी है। आप अगर झारखंड के प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे तो आपको सीधे ये क्वेश्चन मिलेगा कि झारखंड में अब तक कितने मुख्यमंत्रियों ने सेवा दी है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे, झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे। इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद रखें। साथ ही मुख्यमंत्रियों से रिलेटेड उनके पार्टियां जो है वो कौन से पार्टी के थे, उस पार्टी को भी आप लोग याद रखें। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्य के कितने छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन ए इस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्य के 80 छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में, तो 4 फरवरी 2022 में रांची विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसके बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं। कितना दीक्षांत समारोह? तो रांची विश्वविद्यालय अपना 35वां दीक्षांत समारोह आयोजित करेगा 4 फरवरी 2022 में। रांची विश्वविद्यालय की बात करें तो रांची विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह 4 फरवरी 2022 को आयोजित करेगा, जो वर्ष 2021 में टॉप किए गए छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इसमें राज्य के 80 ऐसे छात्र हैं जिनको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा, जिनमें से 31 बॉयज है और 49 गर्ल्स है। रांची विश्वविद्यालय इस वर्ष अपना 35वां दीक्षांत समारोह आयोजित करेगा 4 फरवरी 2022 को। पिछले वर्ष की बात करें तो 34वां दीक्षांत समारोह में राज्य के 67 बच्चों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। 34वां दीक्षांत समारोह कब आयोजित किया गया था? तो रांची विश्वविद्यालय अपना 34वां दीक्षांत समारोह मार्च 2021 में आयोजित किया गया था, जिसमें राज्य के 67 छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया था।
रांची विश्वविद्यालय, तो ये है रांची विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। बात करेंगे राजधानी रांची की, तो ये है मैप में रांची। रांची की बात करते हैं तो रांची का फॉर्मेशन 1899 यानी 1899 में किया गया था। रांची में ब्लॉक की बात करें तो रांची में टोटल 11 ब्लॉक है। रांची अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, तो वेस्ट बंगाल के साथ रांची अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, यानी एक राज्य के साथ रांची अपनी बाउंड्री शेयर करता है। झारखंड के कितने जिलों के साथ, तो झारखंड के 9 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करती है। ये 9 जिले कौन कौन से हैं, तो इन 9 जिलों में रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां शामिल है। यानी इन्हीं 9 जिलों के साथ रांची अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। रांची झारखंड की राजधानी है, तो झारखंड की उपराजधानी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। दुमका झारखंड की उपराजधानी है और ये है मैप में दुमका। बात करेंगे रांची की, तो रांची को झरनों का शहर कहा जाता है, यानी सिटी ऑफ फॉल कहा जाता है। रांची में कई झरने होने के कारण रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। साथ ही साथ झारखंड की शिमला, झारखंड की शिमला भी रांची को ही कहा जाता है। तो देखिए इतनी सारी चीजें आप लोग रांची से जुड़ी है, इतनी सारी चीजों को आप लोग याद रखें। रांची से एक और क्वेश्चन पूछा सकता है, कर्क रेखा यानी टॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा झारखंड के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा झारखंड के 2 जिलों से होकर गुजरती है। वे 2 जिले कौन कौन से हैं, तो गुमला और रांची, यानी कर्क रेखा रांची से होकर गुजरती है। तो इसे आप लोग याद रखें, कर्क रेखा रांची से होकर गुजरती है और कर्क रेखा गुमला से होकर गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड के हाई स्कूलों में पहली बार किस सब्जेक्ट के शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर। झारखंड के हाई स्कूलों में पहली बार कंप्यूटर सब्जेक्ट के शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी, तो राज्य में पहली बार कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी राज्य के हाई स्कूलों में। राज्य के 189 उच्च विद्यालयों यानी हाई स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। इसमें झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा पद सृजित करने के प्रस्ताव को सहमति दे दी गई है। तो झारखंड के 189 हाई स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी, जो राज्य में पहली बार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा पद सृजित करने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी गई है। तो ये है शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, राज्य में पहली बार कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी, यानी झारखंड के हाई स्कूलों में पहली बार कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी, तो इसे आप लोग याद रखें। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक नेताओं की रेटिंग के आधार पर कौन सा नेता शीर्ष स्थान पर है, तो वैश्विक नेताओं के रेटिंग के आधार पर नरेंद्र मोदी शीर्ष स्थान पर है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूरे विश्व में रेटिंग के आधार पर बात करें तो पूरे विश्व में सबसे फेमस नेता की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा फेमस नेता है नरेंद्र मोदी। चलिए इनके बारे में जानते हैं, तो विश्व के 13 नेताओं की सूची में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71% वोट के साथ पूरे विश्व में सबसे ज्यादा फेमस है और शीर्ष स्थान पर है। वही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बात करें तो जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति है और ये 43% वोट के साथ 6th पोजीशन पर है। नरेंद्र मोदी मोस्ट पॉपुलर लीडर है इन द वर्ल्ड 2022 में ये कहा गया है। तो पूरे विश्व के सबसे फेमस लीडर की बात कही जाए तो पूरे विश्व में सबसे फेमस लीडर नरेंद्र मोदी को दिया गया है 71% वोट के साथ में। अब देखिए इसमें सबसे पहले स्थान पर कौन है, तो सबसे पहले स्थान पर है नरेंद्र मोदी 71% के साथ में। जो बाइडेन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है यानी अमेरिका के राष्ट्रपति है उनकी बात करें तो वे 6th पोजीशन पर है 43% के साथ में। साथ स्कॉट मॉरिसन की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो ये 41% के साथ में है। ठीक है, तो पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी सबसे पहले स्थान पर है ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग्स में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स के टॉप 100 मैनेजर की सूची में किसके निदेशक विनय रंजन को शामिल किया गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोल इंडिया। कोल इंडिया के निदेशक है विनय रंजन, इनको भी फोर्ब्स के टॉप 100 मैनेजर की सूची में शामिल कर लिया गया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी फोर्ब्स के टॉप 100 मैनेजर की सूची में कोल इंडिया के निदेशक विनय रंजन को शामिल किया गया है। विनय रंजन जुलाई 2021 में कोल इंडिया के कार्मिक एवं औद्योगिक निदेशक बनाए गए थे। इनके लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण इन्हें फोर्ब्स इंडिया के 100 ग्रेट पीपल मैनेजर्स की लिस्ट में जगह मिली है। तो इन्हें आप लोग याद रखें, कोल इंडिया के निदेशक कौन है, तो कोल इंडिया के निदेशक है विनय रंजन और फोर्ब्स के टॉप 100 मैनेजर की सूची में इनको शामिल किया गया है। फोर्ब्स क्या है, तो फोर्ब्स एक मैगजीन निकालती है, ये कहाँ की मैगजीन है,
तो फोर्ब्स अमेरिका की कंपनी है जो मैगजीन निकालती है, और इनके मैगजीन में टॉप 100 की मैनेजर सूची में कोल इंडिया के निदेशक विनय रंजन को शामिल कर गए हैं। विनय रंजन की बात करें तो ये है विनय रंजन और कोल इंडिया की ये निदेशक है। कोल इंडिया, तो कोल इंडिया के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। कोल इंडिया का फॉर्मेशन कब किया गया था? 1 नवंबर 1975 में कोल इंडिया का फॉर्मेशन किया गया था। कोल इंडिया की हेडक्वार्टर की बात करें तो कोल इंडिया का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। चलिए फोर्ब्स की बात करें, ये एक मैगजीन कंपनी है, इसका फॉर्मेशन 1970 यानी 1917 में किया गया था, और ये बहुत सारे मैगजीन निकालती है। अब देखिए कोल इंडिया, तो कोल इंडिया का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1975 में किया गया था। कोल इंडिया के हेडक्वार्टर की बात करें तो कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, और ये है कोल इंडिया का हेडक्वार्टर जो कोलकाता में स्थित है। तो आपसे पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य में पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो राज्य में पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए सीएम सपोर्ट ऐप लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत किस संस्थान को राज्य में प्रथम स्थान मिला है? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें, और उसके बारे में डिटेल में लिखिए। आप लोग डिटेल में लिखने का ट्राई कीजिए, जिससे आने वाले एग्जामों में ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए झारखंड के प्रीवियस डे के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का भी हम लोग रिविजन कर लेते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्षेत्र के बिरसा मुंडा जू के जानवरों को गोद लेने का निर्णय लिया गया है? तो बिरसा मुंडा जू की बात करें तो ये कहाँ पे है? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची में है बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क, तो उसी के अभी जानवरों को गोद लेने का निर्णय लिया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में झारखंड से किसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो झारखंड से किसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो मधु मुंसाई और सतधर आचार्य, इन दोनों को झारखंड से पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन दोनों को, मधु मुंसारी और सतधर आचार्य, इन दोनों को याद रखें, इन दोनों को झारखंड से पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में पीवी सिंधु की बात करें तो हाल ही में पीवी सिंधु कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पीवी सिंधु को हाल ही में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में कब से आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार अभियान की शुरुआत की जाएगी? तो देखिए इसकी शुरुआत की गई है, ये झारखंड की प्रीवियस डे के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है रिविजन करने के लिए, ताकि हम लोग झारखंड के जो करंट अफेयर देख रहे हैं वो हम लोग भूल ना जाए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस डे के जो इंपॉर्टेंट झारखंड के करंट अफेयर्स होते हैं उसको हम लोग रिविजन करते हुए चलते हैं। तो इसका जो शुरुआत है वो 16 नवंबर से किया गया था, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में 16 नवंबर से आपके द्वार आपके अधिकार आपके सरकार अभियान को शुरू किया गया था, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में झारखंड में कहां बाघों की गिनती शुरू की गई है? तो झारखंड में बाघों की गिनती कहां पे शुरू की गई है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पालमू टाइगर रिजर्व। पालमू टाइगर रिजर्व में झारखंड में बाघों की गिनती शुरू की गई है। हाल ही में झारखंड के छुट्टी महातो को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, वो झारखंड के कौन से क्षेत्र से है? तो छुट्टी महातो को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, ये झारखंड के सरायकेला खरसावां से है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छुटनी महातो को आप लोग याद रखें, हाल ही में छुटनी महातो को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, और ये राज्य के सरायकेला खरसावां जिले से है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।